बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है लेसन जो है यूनिट या लेसन नंबर 2 क्लास नंबर 8, लेसन का नाम है अ टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट। नाम से जाहिर है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनका जायका, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले प्री रीडिंग डिस्कशन करनी है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, यानी पढ़ने से पहले, रीडिंग से पहले हमने डिस्कशन उसके बारे में जो करनी। व्हाट वुड यू डू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा खाना जो है वो ज़्यादा आपको पसंद है, लाइक करते हैं आप बेहतरीन। नंबर 2 पॉइंट, डिस्कस द वैरायटी ऑफ फूड दैट इज़ अवेलेबल इन योर सिटी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें अवेलेबल दस्तयाब होती हैं आपके अपने शहर में, सिटी में। हैव यू टेस्टेड एनी फॉरेन डिशेस, क्या आपने कभी फॉरेन डिशेस जो है वो टेस्ट की हैं, जायका उनका टेस्ट किया है खाने पीने का। इस हवाले से इसका नाम है टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट, मुख्तलिफ जो है चीज़ों की जायके, खाने पीने के जायके, मुख्तलिफ डिशेस। जैसे हम खाने मुख्तलिफ खाने होते हैं, हर खाने का एक अपना जायका होता है। तो इसमें बताया गया है कि 3 दोस्त हैं आपस में, एक जो है मुस्लिम है हामिद, दूसरा जो है वो जॉन, तीसरा रिकी। इसमें उनकी जो हामिद की जो फैमिली है वो फॉरेन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। विच हामिद फैमिली है रिसेंटली इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम पे जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता है कि किसी फॉरेन कंट्री में जाना और वहाँ की जो है अडॉप्ट करना, लैंग्वेज अडॉप्ट करना या न्यू वे, सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो ये एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। मीटिंग प्लेस जो आप वहाँ पर जो हम मिलते हैं लोगों से, नेबरहुड हैं, नए दोस्त बनाना, मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, मैं भी लर्निंग न्यू लैंग्वेज टू, उसके साथ नई लैंग्वेज सीखना बड़ा मुश्किल होता है, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से हामिद की जब फैमिली एडजस्ट होती है, कहाँ पर शिफ्ट होती है, माइग्रेशन कर जाके जाती है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पर स्कूल ज्वाइन करता है। उसके जो दोस्त होते हैं स्कूल में, जाने में उसने दोस्ती बनाई हुई है जॉन और रिकी से, जो कि अंग्रेज़ हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल वालों ने एक कल्चर डे कह लें, या इसमें जो इनमें बताया गया कल्चर वीक, हैविंग अ कल्चर वीक वहाँ बनाया हुआ उन्होंने। तो वहाँ पर उनको इजाज़त मिली है कि आप जो है ऑल द लंच प्रोवाइड बाय द स्कूल, की तरफ से भी लंच दिया गया उनको, खाने पीने की चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा एन एक्सेप्शन हैज़ बीन मेड अप, स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग फूड फ्राम होम फॉर द वीक, हफ्ते के जो कल्चर वीक है इसमें अपने घर से भी खाना ला सकते हैं। उसमें क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स आइडियाज़ क्या हैं उनके, विल गेट टू सी, देखना चाहते हैं खुशबू, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, जायका और डिफरेंस ऑफ द फूड बाय शेयरिंग इट विद देयर क्लासमेट। क्लासमेट से वो शेयर करना चाहते हैं खाने पीने की चीज़, जैसे दोस्त हैं कोई, हम स्कूल में कोई कल्चर डे मनाते हैं, कोई चीज़ मनाते हैं, हर कोई घर से अपने खाना लेकर, तो मुख्तलिफ खाने होते हैं, हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक जायका होता है, एक अपनी खुशबू होती है। तो इसी तरीके से तो जो ये 3 बॉयज़ हैं हामिद, जॉन, रिकी, इन्होंने खाना जब लेकर आए तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जाके एक कोने में दरख्त के नीचे वो बैठ गए। हामिद ने जब टिफ़िन खोला, ओपन हिज टिफ़िन बॉक्स, तो उसमें से तो जो रिकी और जॉन है इन्होंने दे लुक्ड क्यूरियसली, ये बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। उसने सवाल किए, व्हाट इज़ दैट, रिकी पूछ रहा है व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, क्योंकि अंग्रेज़ हैं तो उनके पास खाना जो पाकिस्तानी बनाया था। हामिद लाफ्ड, हामिद जो है हंसा और कहा, ओह दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फूड इन माई कंट्री, ये मेरे मुल्क का एक आम खाना है, कौन सा, इट इज़ दाल, जैसे हम दाल खाते हैं, दाल चावल, इसी तरीके से नोन एज लेंटिल्स हेयर आई थिंक, द बॉयज नोडेड, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी ज़बान में इसको लेंटिल्स कहते हैं, यानी दाल, और हम जो इसमें दाल के, द बॉयज नोडेड, उन्होंने सर हिलाना, जैसे नोडेड मैंने सर हिलाया उन्होंने। एंड दिस इज आलू मटर पोटैटो पीज, यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट इज़ द प्लेन राइस, एक सादा चावल जैसे वाइट कलर के चावल होते हैं, इट इज़ अ येलो बिकॉज इट हैज़ अ सेफ्रन इन इट, क्योंकि सेफ्रन इसमें मिलाया गया है, इसके लिए इसका कलर जो है वो चावल का चेंज हो गया है। इसी तरीके से वो खाने अपने उसको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें, पर इसको एक चीज़ के लिए मना करें कि बीवेयर इट इज़ स्पाइसी,
कि थोड़ा होशियार रहना, हमारे खाने जो होते हैं बड़े मसालेदार होते हैं, स्पाइसी होते हैं, जैसे पाकिस्तानी जो खाने होते हैं मसालेदार होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में लोग जो है नमक मिर्ची और इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से उसके बाद उन्होंने कहा कि वेरी गुड, उनको खाना बहुत ज़्यादा, उनका जो है वो पाकिस्तानी खाना या हामिद जो लेकर आया बहुत उनको पसंद आया। इसी तरीके से कुछ चीज़ें डिफरेंट थिंग्स बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम मिलाई जाती हैं, रोटी किस किस चीज़ से बनाई जाती है। उसमें कैबेज, ठीक है ना, बंद गोभी जिसे हम कहते हैं, एक होता है कॉलीफ्लावर फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, और कैबेज कहते हैं बंद गोभी को, ठीक है, वो चीज़ बताइए। टोमेटोज, टमाटर, चिलीज मिर्ची जिसे होती है, बीन्स फलियाँ, और जो है मीट गोश्त एंड सम स्पाइसी सॉस, और जो है मसालेदार इस तरह जो चटनी जो बनाते हैं, हेयर हैवा बाइट, उसके बाद उन्होंने खाया उसको। तो बड़ा मज़े ले कि हामिद कुड नॉट फाइंड द वर्ड, क्योंकि खाने के बाद आदमी टेस्ट लेता है तो मुंह से आवाज़ से निकालता है, इस तरीके से उन्होंने आवाज़ निकाली, डू यू मीन यमी, तुम जानते हो, तुम्हें इसका पता है कितनी मज़ेदार है, आस्क्ड रिकी आसे ने पूछा। हामिद ने अपना सर हिलाया, दिस एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। उसके बाद गया रिकी हैड ब्रॉड फिश, रिकी जो क्या लेकर आया, मछली लेकर आया, फिश लेकर आया, एंड चिप्स, और चिप्स लेकर आया विच हामिद लाइक वेरी मच, जो कि हामिद जो है बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता था। इट्स सो डिफरेंट फ्राम द फूड, हमारे खानों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आई ईट एट होम, मैं इसको घर पर खाता हूँ, इसे शायली, शायली कहते हैं, शर्माते हुए कहा। अच्छा, उसके बाद द थ्री बॉयज इन्जॉयड शेयरिंग देयर फूड, तीनों दोस्तों ने आपस में इन्जॉय किया, एक दूसरे का खाना एक दूसरे को खिलाया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, गेटिंग टेस्ट, वो टेस्ट उसमें आया कज़िन फ्राम थ्री डिफरेंट कंट्री, क्योंकि तीनों मुख्तलिफ जो है मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, दिस वाज फन, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, दिस सेड एज द पैक्ड, उनके बाद अपने जो चीज़ें उन्होंने समेटी, पैक्ड की, और उसके बाद जो है उसके बाद उसके अबाउट एज लंच, उसके बाद डू, उसके बाद ये आया अपने घर पे इन द इवनिंग, शाम को डिनर टेबल पे जब बैठे हामिद अपनी वालिद और वालदा के साथ जब बैठा, हामिद टोल्ड हिज फैमिली अबाउट हिज जो स्कूल में उन्होंने लंच किया था उसके बारे में सारी कहानी, सारी स्टोरी उनको बताई। यू मस्ट इनवाइट रिकी एंड जॉन ओवर सम टाइम फॉर डिनर, उसकी वालदा उसको कह रही कि आप जो है अपने दोस्तों को रिकी और जॉन है इनको डिनर पे कभी दावत पे बुला लें। डू यू थिंक दे विल लाइक माय बिरयानी, मैं जो बिरयानी बनाती हूँ, उसकी वालदा कह रही है बहुत उनको पसंद आएगी। आस्क हिज मदर, इसकी मदर ने कहा अ टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट इज नाइस समटाइम्स, कभी कभी मुख्तलिफ चीज़ों को खाना बड़ा टेस्ट चेंज, जो चीज़ें खाना बड़ा टेस्ट उसमें इंजॉय करता है, बट डोंट मेक इट टू स्पाइस, मगर कभी भी मसालेदार चीज़ें जो स्पाइसी चीज़ों से परहेज करें, वो चीज़ ना बनाएं, सेड हामिद, हामिद ने कहा और स्माइलिंग मुस्कराया, ही वाज वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज वो बहुत खुश था। इसमें लेसन के नाम से आपको पता चल रहा है टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट, मुख्तलिफ जो खानों का टेस्ट, इसी तरीके से वहाँ फॉरेन में दो चार चीज़ें वो पॉइंट आपको नोट करने हैं। उन्होंने जाके फॉरेन में गया हामिद, यूके में शिफ्ट हुए, वहाँ उनके दोस्तों से मुलाकातें हुई, नए दोस्त बने, अमेरिकन भी थे, अफ्रीकन भी थे, एशियन भी थे, उनके साथ उन लातिन ज़बान वाले भी थे, उनके साथ उनकी दोस्ती हुई। फिर कोई कल्चर वीक था स्कूल में, उन्होंने खाना जो है वहाँ तीनों ने मुख्तलिफ किस्म के खाने आपस में शेयर किए और बड़ा इन्जॉय किया। तो इसी तरीके से हम भी जैसे स्कूल में जो चीज़ कोई बनाते हैं कि वन डिश पार्टी कर लेते हैं, मुख्तलिफ खानों का टेस्ट ले लेते हैं, इसी तरीके से अ टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट। यकीनन आपको लेसन समझ में आ गया होगा इस हवाले से, इसकी घर पे रीडिंग करें और इसकी मीनिंग वगैरह आप निकालें, डिक्शनरी यूज़ करें, और मैंने जो आपके पास जो नोट्स भेजे हैं उसमें से आप उसको चेक करें, टेली क्या करें, वीडियो क्लासेस देखें, सामने कॉपी रखें, बुक रखें, उसको जो वीडियो क्लासेस को भी चेक करें और अपनी कॉपी को भी चेक करें, अपने लेसन को चेक करें, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से लेसन जो है ना वो उसका जो निचोड़ है, समराइज जिसे हम कहते हैं, वो अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे चल हमसे जो हो सक रहा हम करें, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जो मेहनत करते हैं और आगे बात को जो है समझते हैं हमारी बात। फिर भी कोई बात समझ में ना आए, बार बार मैं कहता हूँ ना समझ में आए, हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में आके पूछ लें, व्हाट्सअप नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर, जो चीज़ समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।